प्रदेश में यूजी और पीजी कक्षाओं व रीअपियरेंस के रिजल्ट न आने पर विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एसएफआई का कहना है कि पेपर चेकिंग करने का प्रोसेस ढीला है और निजी हाथों में चेकिंग का काम दिया गया है, जिससे रिजल्ट लेट आ रहे हैं। साथ ही पिछले कुछ समय से महाविद्यालय व विश्वविद्यालय में अध्यापक अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, जिसकी वजह से भी रिजल्ट आने में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि एसएफआई मांग करती है कि जल्द ही परीक्षाओं के परिणाम निकाले जाए, यदि ऐसा नहीं होता है तो एसएफआई आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, पिछले तकरीबन 7 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है यूजी और पीजी के जो रिजल्ट, इसके साथ साथ जो रीअपेयर है तकरीबन 1 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन आज तक विश्वविद्यालय प्रशासन जो है रिजल्ट निकालने में नाकामयाब रहा है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो इसमें यह है कि जो अध्यापक अपनी मांग को लेकर विश्वविद्यालय में कॉलेजों में धरने पे बैठे थे, जो कह रहे थे कि यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार उनको 7 पे कमीशन दिया जाए, सरकार उस बात से लंबे समय तक मुकरती रही है। अभी सरकार ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके बावजूद भी जो रिजल्ट पेपर चेक करने का प्रोसेस था वो हमारा बहुत ही ढीला हुआ है, उसे टीचर पेपर चेक नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा जो पेपर चेक करने की प्रक्रिया थी उसको निजी हाथों में भी दिया गया है, जिस कारण जो है पेपर जो है लगातार जो रिजल्ट है वो लगातार डिले होते जा रहे हैं, और जिससे छात्रों को बड़ी समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है। जहां आज से 1 महीने पहले हमारा एकेडमिक सेशन बैठ जाता था, हमारी एडमिशनें इस वक्त तक खत्म हो जाती थी, हमारा एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता था, इस वक्त सिर्फ हमारी एडमिशनें का प्रोसेस शुरू हर एक कॉलेज के अंदर हुआ है। और विश्वविद्यालय के अंदर एंट्रांस तो करवा ली है, लेकिन अभी तक यूजी के फाइनल ईयर का रिजल्ट ना आने से जो है वहां पे अभी तक कोई भी जो है भर्तियां जो है एडमिशन जो है वो अभी शुरू नहीं की गई है, जिसके ऊपर एसएफआई निरंतर विश्वविद्यालय के अंदर पूरे राज्य के अंदर जो है आंदोलन कर रही है कि जल्द से जल्द यूजी और पीजी के रिजल्ट निकाले जाए, नहीं तो आने वाले समय में इस आंदोलन को एसएफआई जो है एक बड़े स्तर पर जो है वो लड़ाई इस पर लड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।